हेलो गाइस। तो यार बात करते हैं आज अपन आसाम यूनिवर्सिटी की एडमिशन का। क्या सारा सीन है भैया, एडमिशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे फॉर्म भरना है, कंप्लीट के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज हैं, ये इसकी वेबसाइट है। यार काफी धीरे ये जो है पिछले कुछ सालों से, पिछले साल में भी देख रहा था बहुत ही ज्यादा धीरे एडमिशन वगैरह के सारा प्रोसेस रहता है। इनका मेन रीजन ये है कि यह जो है एनटीए ने सभी कॉलेजों को अभी तक उनका जो भी डेट शीट होता है, स्कोर डेट शीट, वो प्रोवाइड नहीं किया, जिसके कारण ये जो अपना पोर्टल है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। बहुत सारे कॉलेजों को ये लेट मिलने के कारण जो है उन लोगों ने अलग अलग फंडे अपनाए एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यार एडमिशन का क्या सर अपडेट है यहाँ पे, ठीक है, तो वही देखेंगे आज अपन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे तो हमें कुछ शो ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे एडमिशन हमें मिलेगा, हम क्या करें क्या नहीं करें। यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो है छूट जाता है एडमिशन वाला सीन, तो इसके लिए आप हमारी जो है सीयूटी गाइडेंस प्लान में इनरोल कर सकते हो, जिसके लिए जो है एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। इंडिया का सबसे बेस्ट सीयूटी काउंसलिंग प्लान हम आपके लिए लेकर आए, ओनली फॉर 1499 रुपये में आपका कम्प्लीट एडमिशन कम्प्लीट करा दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से। जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो सीयूटी एडमिशन गाइडेंस प्लान में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो सारे बच्चे जाएंगे ज्वाइन करेंगे, उसमें हम आपको पूरा लाइव कंप्लीट पर्सनल फॉर्म फिल कराते हैं, एडमिशन कट ऑफ, स्कॉलरशिप, बैंक लोन, टोटल जो भी आपकी टिल क्लास है जब तक स्टार्ट नहीं हो जाती, सारा का सारा सब। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं क्या सारा सीन है, क्या बोल रहा है ये कॉलेज, कब से एडमिशन स्टार्ट करने वाला है भैया। ठीक है, तो ये देखो इसका, ये तो देखो यार प्रोस्पेक्टस है, इसमें तो कुछ रखा है नहीं। ठीक है, आपको फिर से यहाँ पे आना है, एडमिशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पीएचडी के लिए है, ये भी पीएचडी के लिए है, एंड यहाँ पे यूजी के लिए ये यूजी एडमिशन नोटिस ये दे रखा है। तो इस पे जैसे ही आप जाओगे फिर से एक पीडीएफ खुलता है, पीडीएफ में क्या लिखा रहता है, तो यहाँ पे लिखा गया है डेट ऑफ पोर्टल ऑफ ओपनिंग 16 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिस दिस इज नोटिस इज फॉलोइंग द होल शेड्यूल विल बी फॉलोड, एडमिशन यूजी प्रोग्राम 16 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भाई सीयूटी यूजी। देख सकते हो यहाँ पे इतने इतने चार्जेस ये लोग ले रहे हैं, तो 14 सितंबर तक, सॉरी 14 अक्टूबर तक जो हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पे जाना है आप सभी लोगों को। ठीक है, जैसे हम इस लिंक पे जाते हैं, क्या बोलता है ये पब्लिक, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे जाके अपना सीओटी यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट, तो मैं पूरा नया फॉर्म भरूंगा। तो अब आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो गाइस मैं जो है मेरे बच्चे का यहाँ पे फॉर्म डिटेल भर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आप लेना चाहते हैं, जैसे कि बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएसडब्ल्यू, ठीक है, बैचलर ऑफ वर्चुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट, जो भी कोर्सेज में आप लेना चाहते हैं। जैसे मेरे को फार्मेसी में लेना है, अब मैं यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दूंगा, मोबाइल नंबर डाल दूंगा, लॉग इन आईडी पासवर्ड मेरे को यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये जो भी है मैं रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ एक सेकंड में यहाँ पे। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल भर ली है, मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मेरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया है, रोम वेरिफिकेशन कोड इंटर। ओके गाइस, तो यार देख सकते हो फाइनली मेरे नंबर पे ओटीपी सेंड कर दी गई है, मेरे को यहाँ पर ओटीपी डालनी है, फिर जो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले ओटीपी डालते हैं। ठीक है, तो गाइस यार ये एकदम सिंपल फॉर्म है, आपको पूरे के पूरे फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है, फिल कर लेना है, फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, बाद में एजुकेशनल डिटेल यानी कि 10-12 डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फार्मेसी सेलेक्ट किया था, फार्मेसी के लिए जो भी है, उसके बाद जो भी है यहाँ पे फीस एंड अदर, ठीक है,
में आपको फीस पेमेंट करना आई थिंक 900 रुपये का ये लोग चार्जेस बता रहे हैं फीस का, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, डिटेल दी गई थी फीस के रिगार्डिंग, नोटिस था पूरा, ठीक है, कि फीस का क्या स्ट्रक्चर है, यूजी एडमिशन नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है इनकी तरफ से। ओके, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 1000 रुपये आई थिंक, ठीक है, जनरल वाले बच्चों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 900 है और 800 है SC ST PWD वालों के लिए। यार SC ST वालों को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है बहुत सारे कॉलेजेस, जिसने बहुत ही कम दिया है, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके रजिस्टर करेंगे यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू। और यार CUT एडमिशन गाइडेंस प्लान में जरूर से जाके एनरोल कर लो सारे के सारे बच्चे।